इस सेशन के अंदर हम मैनेज रोल्स और व्यू एज रोल्स के ऑप्शंस को समझने की कोशिश करेंगे। देखिए, मेरे पास जो डेटाबेस है उसमें रीजन वाइज प्रोडक्ट्स की डिटेल्स नजर आ रही है। मैं डाटा के टैब में जाकर आपको दिखा सकता हूँ कि यहाँ पर डिफरेंट डेट्स में डिफरेंट रीजन में डिफरेंट प्रोडक्ट्स जो डिफरेंट क्वांटिटी में सेल हुई, जिनकी यूनिट प्राइस लिखी हुई है और उनकी वजह से जो रेवेन्यू जनरेट हुआ, वो डिटेल्स यहाँ पर मौजूद है। और अगर मैं क्विकली इसका एक डैशबोर्ड क्रिएट करना चाहूँ, फॉर एग्जाम्पल डिफरेंट प्रोडक्ट के अगेंस्ट में जो रेवेन्यू जनरेट हुआ उसको मैं कॉलम चार्ट के जरिए देख रहा हूँ, और डिफरेंट रीजन्स में जो रेवेन्यू जनरेट हुआ इसे भी मैंने कॉलम चार्ट के जरिए देख लिया, टोटल क्वांटिटी मैंने चेक कर ली, टोटल क्वांटिटी मेरी 6 मिलियन है, और टोटल रेवेन्यू मैंने चेक किया वो 883 मिलियन से। ठीक है, अब ये पांचों प्रोडक्ट्स आ रही हैं, पांचों रीजन्स की डिटेल आ रही है और ओवरऑल समरी मेरे पास आ रही है। अच्छा, अज्यूम करें कि इन प्रोडक्ट्स को और इन रीजन्स को डिफरेंट सेल्स मैनेजर डील कर रहे हैं, जिनका नाम यहां पर नहीं लिखा हुआ है, इस डेटाबेस के अंदर नहीं है, लेकिन मुझे पता है कि वेस्ट रीजन को और कैमरा जो प्रोडक्ट है वो सेल कर रहे हैं सपोज इरफान साहब, और नीचे सपोज करें कि हमारे पास ईस्ट रीजन आएगा और सपोज हार्ड डिस्क प्रोडक्ट है उसे सेल कर रहे हैं सपोज फाद साहब। और अगर डाटा में मुझे सिर्फ उन्हीं दोनों इंप्लॉइज का डाटा देखना हो या अपनी मर्जी के रिक्वायरमेंट के हिसाब से डाटा देखना हो तो कैसे देखा जा सकता है? एक तरीका तो ये कि हमने शुरू में डिस्कस किया था कि आप फिल्टर लगा लें और जो आपको रीजन्स नहीं देखने वो आप ऑफ कर दें, जो मैनेजर्स आपको प्रोडक्ट्स आपको नहीं देखनी वो फिल्टर में जाकर आप वो प्रोडक्ट्स ऑफ कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन एक और तरीका ये हो सकता है कि आप कुछ रूल्स क्रिएट कर लें और अकॉर्डिंग टू द रूल्स आप डाटा को कॉल करवा सकते हैं। तो ऐसा करने के लिए मैंने जस्ट मैनेज रूल के बटन पर क्लिक किया और यहां पर हम क्रिएट करते हैं एक न्यू रूल, और न्यू रूल में सपोज मैं कस्टमर नेम दे रहा हूं इरफान, और इरफान को टेबल्स जो मेरा रीजन एंड प्रोडक्ट है उसके इस 3 डॉटेड बटन पर क्लिक कर रहा हूं, एड फिल्टर की एरो पे क्लिक कर रहा हूं, और मैंने कहा कि उसे रीजन अलाउ है, जस्ट मैंने शीट अपने कैनवस पे क्लिक किया तो कहता है रीजन इक्वल्स टू, मैंने कहा उसे रीजन अलाउ है सपोज वेस्ट, एंड देन सिंपली मैंने सेव किया। सेव करने के बाद अब जस्ट मैं व्यू एस रूल्स पे क्लिक कर रहा हूं और यहां से इरफान पे क्लिक कर रहा हूं एंड देन ओके कर रहा हूं। आप देखें मुझे रीजन में सिर्फ इरफान की सेल्स नजर आ रही है, बाकी चारों रीजन मेरे ऑफ हो गए। अब सपोज अगर इसे ठीक करना है सो मैंने टॉप व्यूइंग पे क्लिक किया, ये चारों रीजन मेरे पास आ गए। अब सपोज करें कि इरफान जो है वो वेस्ट रीजन और प्लस कैमरा प्रोडक्ट से रिलेट है, तो मैं उसमें प्रोडक्ट के अंदर कैमरा को ऐड करना चाहता हूं इरफान के रूल्स में। सो अगेन मैनेज रूल में चला गया, रूल जो पर्सन नेम है उसका नाम लिखा हुआ है, टेबल दिया हुआ है, लेकिन रीजन में से वेस्ट है। सो मैंने इस 3 डॉटेड बटन पे क्लिक किया, एड फिल्टर के अंदर जाकर मैंने यहां से प्रोडक्ट चूज कर ली, इस कैनवस पे क्लिक किया, प्रोडक्ट इक्वल्स टू है सपोज कैमरा, और देखें यहां पर डबल एंड पर्सन लगा हुआ है। डबल एंड पर्सन एक्चुअली एंड का काम करता है, रीजन जो है वो वेस्ट होनी चाहिए एंड प्रोडक्ट कैमरा होनी चाहिए। अगर और का काम करना है तो शिफ्ट के साथ पाइप का साइन 2 दफा दे देंगे, ये और का सिंबल है। ठीक है, इस सूरत में मुझे एंड का साइन देना है कि जब इरफान के रूल को सेलेक्ट किया जाएगा तो एक्चुअली रीजन एंड प्रोडक्ट के टेबल से रीजन की फील्ड में सिर्फ वेस्ट को दिखा दे और प्रोडक्ट में से कैमरा को दिखा दे, और ये एक्चुअल हमारा फिल्टर है। सिंपली सेव किया, व्यू एज रूल्स पे जा रहे हैं, रूल्स पे सॉरी, एंड देन यहां से हमने इरफान पे क्लिक किया एंड देन ओके किया। आप देखें सिर्फ वेस्ट रीजन और कैमरा की प्रोडक्ट नजर आ रही है, और अकॉर्डिंगली उसी के हिसाब से जो टोटल क्वांटिटी है, जो टोटल रेवेन्यू है, वो भी अपडेट हो गया। स्टॉप व्यूइंग करते हैं, तमाम डिटेल्स हमारे पास दोबारा आ गई। अब सपोज करें कि मुझे एक और मैनेजर है जिसकी प्रोडक्ट हार्ड डिस्क है और वो ईस्ट रीजन में काम कर रहा है, और मुझे एक और रोल जो है वो क्रिएट करना है। सो मैं मैनेज रोल्स में चला गया और यहां से मैंने क्रिएट के बटन पर क्लिक करके सपोज फाहद उनका नाम है जस्ट क्लिक किया। फाहद चूंकि अल्फाबेटिकल ऑर्डर के अंदर फर्स्ट आ रहा है इसलिए ये डाटा को जो है वो खुद ही सॉर्ट कर लेता है। रीजन बाय प्रोडक्ट के टेबल में मुझे फिल्टर अप्लाई करना है, रीजन के अंदर से इनको रीजन देना है ईस्ट, और अगेन फिल्टर लगा देते हैं और प्रोडक्ट में से इन्हें प्रोडक्ट देनी है हार्ड डिस्क, राइट, एंड देन सिंपली सेव करते हैं।
और मैनेज रोल्स सॉरी व्यू एज रोल्स पे जा रहे हैं और यहां से अब मैं फाहद का डाटा देख रहा हूं, ओके कर रहा हूं। देखें फाहद हार्ड डिस्क को की उनकी सेल्स आ रही है और वो ईस्ट रीजन पे काम कर रहे हैं, उनकी सेल्स नजर आ रही है। अच्छा, मुझे फाहद के साथ इरफान को भी देखना है और दोनों को कंपेयर करना है, सो अगेन व्यू एज रोल्स पे चले जाते हैं और यहां से मैंने इरफान पे भी चेक लगा दिया एंड देन ओके किया। आप देखें इरफान और फाहद की जो है वो दोनों प्रोडक्ट्स और दोनों रीजन्स की सेल्स नजर आ रही है। और अगर इसे ठीक करना है तो देन हम देख चुके हैं कि स्टॉप व्यूइंग पे क्लिक करते हैं, ये दोबारा ठीक हो जाएगा। अगर जो रूल्स आपने क्रिएट किए हैं, अगर उन रूल्स को आप मॉडिफाई या डिलीट करना चाहते हैं तो आप मैनेज रूल्स में चले जाते हैं और यहां पर जो भी रूल्स आपने डिफाइन किए हैं आप उनको या तो डिलीट कर सकते हैं या यहां पर आप उनको मॉडिफाई कर सकते हैं अपने हिसाब से, राइट। सो ये एक बेहतरीन ऑप्शन अवेलेबल है पावर बी आई डेस्कटॉप के अंदर के आप अगर यूजर को सेलेक्टिव डेटा या डैशबोर्ड जब आप प्रेजेंट कर रहे हैं ऑडियंस को तो आप अगर उसे कंप्लीट डैशबोर्ड ना दिखाना चाहें, अपनी मर्जी का सेलेक्टिव डेटा दिखाना चाहें या दिखाना चाहें या जो रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से आप डेटा को प्रेजेंट करना चाहें तो आप डिफरेंट रोल्स यहां पर क्रिएट कर सकते हैं जिसके हिसाब से आपका डैशबोर्ड डेफिनेटली डिस्प्ले होगा। फाइनली लास्ट के अंदर मैं इन दोनों रोल्स को डिलीट कर देता हूं एंड देन अपने डैशबोर्ड को नॉर्मलाइज कर लेता हूं, क्लोज। ये कंप्लीट डेटा मुझे नजर आ रहा है।